So assalamu alaikum friends and fans, this is me Amir and welcome back to another beautiful vlog. So as I was telling you guys ke main ek video banaunga iftar aur sehri ke upar jo ke proper meri sehri aur proper iftar ke upar hogi. And tumhe kya hua? Tabiyat nahi theek. Kyun? Kya hua? हवा लग गई. वाओ, वेरी नाजुक लाइक गर्ल्स. तितलियों की तरह ये नाजुक है जिसे हवा लग गई और ये तबीयत इसकी ठीक नहीं. एनीवेज, कमिंग बैक टू मेन पॉइंट. सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ माय सहरी एंड अफ्तार रूटीन, माय होल डे और रमज़ान में मेरी जो भी रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ. सो अभी सहरी का टाइम हुआ है और हम लोगों ने सहरी तैयार कर लिया और अभी मैं आप लोगों को दस्तरखान पर बैठ कर अपनी सहरी दिखाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो विदाउट एनी मोर टॉक लेट जस्ट गेट स्टार्ट दिस. सो अभी सहरी की दस्तरखान लगा दी गई है और सबसे पहले तो मैंने थोड़े से चावल और दाल ली है बिकॉज आई जस्ट लव दाल चावल. इसके साथ साथ एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोगों ने लेट नाइट मंगवा लिए थे टिक्के बारबेक्यू. सो हम लोगों ने सोचा कि अब इसको हम सहरी में ही इस्तेमाल करेंगे और इनका फ़ायदा ये है कि बेसिकली ऑयल में नहीं फ्राई होते. सो इनको यू नो ग्रिल किया जाता है और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाया जाता है और स्मोकी बारबेक्यू होता है. सो इसमें ऑयल बहुत कम होता है, इसलिए आप लोगों को यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग कभी खा रहे हैं या डाइट पे हैं सो इस चिकन को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, दाल चावल हो गए, टिक्के हो गए और किसी के मुंह में अगर पानी आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरे मुंह में खुद पानी आ रहा है इस वक्त. एनीवेज, नेक्स्ट वी हैव कबाब एंड लेग पीसेस विद चटनी एंड विद दीज, इसे क्या कहते हैं नबील, खजूरें, हाँ सॉरी खजूरें. एंड एज आई वॉज टेलिंग यू गाइज कि लस्सी बहुत ज़रूरी है, इस्तेमाल करें. और हमारे अब्बू ने घर पे स्पेशली लस्सी वाले ग्लास भी ऐसे रखे हुए हैं कि जो कि यू नो आप लोग ग्लास भर के खा सकते हो और पी सकते हो. इसके साथ खुश्क रोटी लेंगे और लस्सी ज़रूर 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 इस्तेमाल करें क्योंकि लस्सी आपको सारा दिन हाइड्रेट रखती है. सो दैट वॉज माई सहरी और ये है आज की सहरी जो कि मैं करने जा रहा हूँ. और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाबिसौमी गद्दी नवैती वमिन शहरे रमदान. ओके गाइस, सो लास्ट नाइट मैं गया था KFC एज यू गाइस कैन सी. सो अभी मेरे पास उनका सैलेड है जो कि 22/5 को एक्सपायर होगा. सो मैं KFC का ये ट्राई आउट करने जा रहा हूँ सैलेड, मैंने आकर फ्रीजर में रख दिया था. सो बेसिकली ये भी अच्छी चीज़ है बिकॉज लाइट वेट है और रोजे में तो डाइट है. तो ऑलराइट गाइस, सो फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गया था सहरी करके एंड मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा आई थी इस वजह से मैं सो गया था. ओके, सो लुक एट माई हेयर्स लुक सो मैसी. आई एम थिंकिंग दैट कि मैं रिबॉन्डिंग दोबारा से करवा लूँ और कलर भी करवा लूँ. शुड आई कलर माई हेयर अगेन और इस दफ़ा स्ट्रीकिंग करवानी चाहिए या फुली हेयर करवाने चाहिए, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, कमेंट्स में बताइए. ओके, कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, आज सुबह जब मैं उठा हूँ सो मुझे एक बड़ी ही अच्छी मिसाल सुनने में मिली है और देखने में भी मिली है कि जिसे अल्लाह रखे नहीं पंजाबी में कहते हैं. सो जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे. सो इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस आई एम गोना टेल यू दैट के जब अल्लाह की तरफ से ही आप पे मेहरबानी हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इसका बेटर मतलब मैं आप लोगों को ऊपर जाके बताता हूँ क्या है. सो लेट्स जस्ट गो. वेल, हुआ ये था कि आज सुबह जब अब्बू आ रहे थे, कहीं जा रहे थे बल्कि आई गेस, सो अब्बू ने कहा कि मैं जब बाइक पर था सो मुझे कुछ चिकन्स जो है वो ट्रॉली से गिर गए और सड़क पर बिल्कुल बीच सड़क में और लाइक गाड़ियां चल रही थी बहुत तेज़ी से और बस इनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी सो इसलिए ये बच गए. सो अब्बू ने कहा कि इनको फटाफट से शापर में रखा और घर ले आए. सो ये बेचारे पता नहीं किस माँ के बच्चे जब छिड़ गए अपनी माँ से और अब मेरे पास आ गए. सो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये तोहफ़ा मिला है सो इसलिए मैंने इनको बचा लिया और अपने पास रख लिया और अब इनकी खिदमत करूँगा. एंड दिस इज़ कॉल्ड जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे. ऑल राइट गाइस, एज यू गाइस कैन सी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों को पहले एक नज़र दिखा दूँ वैसे तो. सो एज यू गाइस कैन सी कि वेदर आज काफ़ी अच्छा है. सो आई हैव डिसाइडेड दैट कि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं छत पर आके ही व्लॉग का हिस्सा शूट करता हूँ. सो ऐसे मैं गुजारता हूँ दिन, लेकिन अभी इफ्तार बाकी है, अभी कहीं जाइएगा नहीं, रुकिए इफ्तार देख के जाइएगा.
ओके सो सुबह उठते हैं सबसे पहले, बल्कि उठता नहीं मैं, सारी रात ही जागता हूँ और रोज़ा रख कर ही सोता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग सहरी करते हैं और सहरी करने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा सबक यानी सुपारा यानी कुरान मजीद की थोड़ी सी तिलावत की जाती है और उसके बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जोहर के वक्त उठते हैं और जोहर की नमाज़ अदा करते हैं। एंड जोहर की नमाज़ अदा करने के बाद घर के थोड़े बहुत काम होते हैं, जो मतलब फ़्रेश वेजिटेबल्स या कुछ भी काम हो सो उसमें अपने आप को बिज़ी कर लेता हूँ, नहीं तो मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद असर का टाइम होता है और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तार की जो यू नो तैयारियाँ छोटी मोटी वो हम लोग करते हैं। फिर इफ्तार कर लिया जाता है और नमाज़ पढ़ी जाती है मगरिब की और शाम में फिर मैं जिम चला जाता हूँ। सो यही रूटीन होती है मेरी रमज़ान में मोस्टली, और आई थिंक कि हर एक की यही रूटीन होती होगी एज़ माई परस्पेक्टिव, मेरा ख्याल है। और मुझे पर्सनली आज मेरे बाल बहुत रफ लग रहे हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम गोना चेंज दिस और मैं इसकी रिबॉन्डिंग या स्ट्रेट ऑफ करवाऊंगा और मैं इसके साथ साथ इसको कलर भी करवाने वाला हूँ। सो टेल मी दैट कि मैं इसकी स्ट्रीकिंग करवाऊँ या फुल हेयर कलर करवाऊँ, सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई एम वेटिंग दैट। और मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मैं कुछ देर छत पर बैठूंगा और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा डाउन स्टेयर्स, इफ्तार की तैयारी करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। सो ये मेरी रूटीन है, आप लोग मुझे अपनी रूटीन बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे कि आप लोगों की रूटीन भी मेरे से मिलती जुलती है। तो अगर आपकी कोई स्पेशल एक्टिविटी है सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन, एज वेल एज मेरे बालों का जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो भी बताइए, न्यू कलर करवाऊँ, कौन सा कलर करवाऊँ, फुल हेयर करवाऊँ या व्हाटएवर सो ऑन, सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड अभी चलते हैं थोड़ी देर बैठ कर नीचे, इफ्तार की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर इफ्तार करते हैं। सो स्टे ट्यून। So this is our iftar, this is harbooza and moving next we have achar, pickle, mango pickle with carrot pickle and we have this dal and next we have this dates khajure, next we have this chicken korma and subah morning mein aap logon ko bataya tha tikke kebab khaye the so kuch salan aur sorry tikke kebab wo bhi maujood hai, barbecue bhi maujood hai aur saath mein sabzi hamare paas maujood hai, भिंडी प्याज और इसके साथ साथ रोए अफज़ा। सो दिस इज़ माई मील फॉर टुडे एंड बहुत लाइट वेट ही मैं रख रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा यू नो हैवी और ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए इफ्तार में, और मोस्टली यही होती है फ्रूट्स और हल्का फुल्का सालन और खुश्क रोटी और साथ में रोए अफज़ा, यही मेरा यू नो इफ्तार में ज़्यादातर होता है। So this is the end of this vlog. I hope you guys like. If you guys like, then make sure to do subscribe my YouTube channel. Give this video a big thumbs up and share this. And enjoy your meal. Oh my God! Why there are so many ants? I don't want that. इस तरह तो मेरे जो chickens हैं वो बीमार हो जाएंगे.